आप मुल्क के लिए खेलते हैं ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी को साइड में कर देते हैं तो ये परफॉर्मेंसेस आती हैं। आज रोहित शर्मा, पैट कमिंस को स्लॉग स्वीप मारना कोई बच्चों का खेल है? कोई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्लॉग स्वीप आज पैट कमिंस खा गया? उसके लिए दिल जिगरा चाहिए होता है, बहादुरी चाहिए होती है, बदमाशी चाहिए होती है। मिचेल स्टार्क ने अपने करियर के अंदर, अपने करियर और कोई छोटा करियर नहीं है उसका, एक बहुत तवील अरसे से मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। उस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के स्पेक्ट्रम के अंदर आज जिस तरह मिचेल स्टार्क को सबसे एक्सपेंसिव ओवर करवाया गया, उसने करवाया, 29 रन खाए, उस वक्त वो मोमेंटम था। आज रोहित शर्मा की आप बैटिंग हटाइए, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग हटाइए और पूरी टीम इंडिया की बैटिंग आपने सामने रखी है, आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य और रोहित एक अलग बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे थे, एक अलग पिच के सामने। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं Facebook पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम तो इस T20 वर्ल्ड कप से पहले ही राउंड में बाहर हो चुकी थी और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इंडियन टीम को काफी कवरेज कर रहा है, उसको लेकर हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस जो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला खेला गया उस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में जिस तरह रोहित शर्मा ने एक खतरनाक तरीके से बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को पहले ही राउंड में जिस तरह से दोस्तों बैकफुट पर धकेल दिया था, उसके बाद रोहित शर्मा की पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी जमकर तारीफ कर रहा है और वही कह रहा है कि हमारे जितने दोनों ही ओपनर है, चाहे रिजवान हो या बाबर, या कभी भी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं खेल सकते। आप पिछले दिनों अभी जो आंकड़े सामने आए थे उसमें 200 बॉल तकरीबन बाबर आजम पावर प्ले खेल चुका है लेकिन एक भी छक्का नहीं लगा पाया है। वहीं दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस मैच में एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए और दोस्तों जिस तरह धुआंधार इनिंग खेली है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल देखिए किस तरह से सहमा हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह भारत भी यह मुकाबला हारकर इस वर्ल्ड कप के दौर से बाहर हो जाए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और भारत ने दोस्तों सीधी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। और दोस्तों, और भी वीडियो जो पाकिस्तानी मीडिया इस मैच को लाइव देख रहा था और रोहित शर्मा के हर एक छक्के पर उनका किस तरह का रिएक्शन था, वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आई अली, रोहित शर्मा ने किया आगाज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और हर्षदीप ने किया काम तमाम, इंडिया ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम। अब क्या करेगा अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर, ये तो देखना अब से 5 घंटे बाद, अब से कुछ 6 घंटे बाद बाकी है। लेकिन व्हाट एन एक्साइटिंग कैंपेन इट इज टर्निंग आउट फॉर टीम इंडिया। और जब इस तरह की जीत होती है कि जब 10वें ओवर तक लोगों को पेल्पिटेशन हो कि ट्रेविस हेड जो इंडिया का नेमेसिस है वो फिर एक दफा रन मारना शुरू हो चुका है और अब क्या होगा, ये तो फिर मैच ले जाएगा। और फिर वहां से बॉलिंग अपनी स्पाइन दिखाती है, बॉलिंग अपना करेक्टर दिखाती है, कप्तान अपना करेक्टर दिखाता है और वहां से जब टीम बाउंस बैक करती है। और ये बहुत अच्छा गेम है टीम इंडिया के लिए, ये जीत बहुत अच्छी है टीम इंडिया के लिए क्योंकि सेमीफाइनल्स में जाने से पहले एक आपको थोड़ा सा प्रेशर में आ पाया और प्रेशर से आपने बाउंस बैक करके आप ये गेम जीते। और इस पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन में टीम इंडिया की जो खासियत की मैं बात करूं, जहां बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग प्रेशर में आई, बॉलिंग में रिस्पॉन्ड किया, 48 बॉलों में 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें, इंडिया ऐसा लगना शुरू हो गया था कि एक गेम हारेगा लेकिन कप्तान ने हार नहीं मानी, बॉलर्स ने हार नहीं मानी, जसप्रीत बुमराह ने हार नहीं मानी, अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी और पाकिस्तान के खिलाफ वो गेम जीता जो कि इंडिया हार रहा था। फिर वहां से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू के 45 मिनट में टीम इंडिया फंसा लेकिन वहां से फिर बैटर्स ने करेक्टर दिखाया, बाउंस बैक किया और फिर वो इंडिया ने गेम जीता। और आज जो ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़ा मुकाबला था टीम इंडिया के लिए इस पूरे वर्ल्ड कप में। अभी तक इंडिया अनबीटन है, 6 में से 6 गेम्स इंडिया जीत कर आ रहा है, 1 गेम वॉश आउट हो चुका है, अभी तक इंडिया के करीब कोई भटक नहीं रहा। एक सेमीफाइनल जहां गयाना में ये जरूर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो गेम वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट हुआ तो इंडिया फाइनल में जाएगा। बट व्हाट अ ब्रिलियंट कैंपेन। और इस कैंपेन में जब रोहित शर्मा जैसा जो बल्लेबाज जितना सेल्फलेस, उसने अपनी सेंचुरी को साइड में रखा, मुल्क को आगे रखा, इस पूरी कैंपेन में सवेरा टीम इंडिया का एक मेथड है कि नाम के आगे रन लगे हों ये मैटर नहीं करता, मुल्क के आगे कितने रन लगे हुए हैं ये मैटर करता है। और जब बॉलिंग इस तरह रिस्पॉन्ड करे, जब आपके पास 2 जेन्युइन विकेट टेकर्स हों जो किसी भी सिचुएशन में आपको बाउंस बैक करके दे दें, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने आज उसमें तड़का डाल दिया, इन तीनों ने मिलकर कुछ 6 विकेटें अपने अमंग शेयर की हैं। सो व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आई एम प्रीटी श्योर कि सेमीफाइनल में जाने से पहले ये मोमेंटम बहुत बूस्टिंग, मोमेंटम बूस्टिंग विक्ट्री है जो कि इंडिया को अपने स्किल्स, अपनी अपने इम्पैक्ट करने की एबिलिटीज के ऊपर एक दफा फिर यकीन दिलवाएगी। मोमेंटम का जो है बिल्कुल, और इस मोमेंटम अली, इस मोमेंटम की सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि कहीं ना कहीं हर कोई अपना रोल चिप इन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर, मतलब हमने ऑब्वियसली अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा था, मगर अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं अफगानिस्तान के लिए, जिस तरह
अब तक जो है अगर ओपनिंग पार्टनरशिप में जो है वो 100 रन जोड़े हैं, तो वो अफगानिस्तान के ओपनर्स ही हैं जिन्होंने 3 दफा जो है वो 100 100 रन की जो है वो पार्टनरशिप की है। तो इम्पोर्टेंस है, यहाँ इंडिया के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि नहीं जी रोहित शर्मा को आउट कर देंगे तो टीम इंडिया फंस जाएगी, विराट को आउट कर, खैर विराट तो रन में आ ही नहीं रहे, उन्होंने पता नहीं रन जो है वो बड़े दिनों के लिए बचा के रखे हुए हैं और बड़े दिन के लिए जो है वो रन बचा के रख रहे हैं कि शायद नॉकआउट पे आके, एक मेरा तो ये कुछ बारिश का मैटर नहीं मौका करता है, है, इसलिए से एक बोर नहीं है, नॉकआउट मैटर बारिश नहीं कीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। विराट ने रन बनाए नहीं रन बनाए, आपने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया भाई साहब। आप 19 नवंबर की शाम अली से कह जिस रहा वक्त हूँ नहीं यार, कर रहे थे मैं बैट इस बॉल बात कह फॉर्मेट रहा में, हूँ ना कि विराट कोहली ने आप अभी तक रन आज नहीं किए, भाई विराट ऑस्ट्रेलिया कोहली को ने अभी तक शोर नहीं मचाया मैटर अपनी नहीं करता, बैटिंग से, ही नीड्स टू मेक नॉइज। छोड़ दो भी विराट कोहली को, विराट कोहली के ऊपर भी बात कर लेंगे अभी आके। अभी तो सबसे बड़ा मोमेंट है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी भेड़ दी है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से आपने फारिग कर दिया है। अब अफगानिस्तान के हाथ में है कि वो अपना सेमीफाइनल आगे बढ़े या वो वर्ल्ड कप से फारिग हो जाए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को इस पे लाके उनको तबाह बर्बाद कर देना, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है आज इंडियन क्रिकेट के अंदर। क्योंकि 19 नवंबर की जिस शाम से इस विकेट का इंतजार किया जा रहा था, ट्रेविस हेड ट्रेविस हेड ट्रेविस हेड, ये जाएगा ये जाएगा, आज उसने फिर एक दफा अपना जलवा दिखाना शुरू किया। और जिस तरीके से आपने प्रेशर को बनाया, बड़ी टीमों की निशानी सवेरा यही होती है, बड़ी टीमें इसी तरह बाउंस बैक करती हैं। और टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, बार बार स्पॉट ऑफ बॉदर में जरूर है, लेकिन बाउंस बैक करने की एबिलिटी, जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं ना, इंडिविजुअलिटी को साइड में करते थे तो ये परफॉर्मेंसेस आती हैं। आज रोहित शर्मा, पैट कमिंस को स्लॉग स्वीप मारना कोई बच्चों का खेल है? कोई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्लॉग स्वीप आज पैट कमिंस खा गया? उसके लिए दिल जिगरा चाहिए होता है, बहादुरी चाहिए होती है, बदमाशी चाहिए होती है। मिचेल स्टार्क ने अपने करियर के अंदर, अपने करियर, और कोई छोटा करियर नहीं है उसका, एक बहुत तवील अरसे से मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। उस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के स्पेक्ट्रम के अंदर आज जिस तरह मिचेल स्टार्क को सबसे एक्सपेंसिव ओवर करवाया गया, उसने करवाया, 29 रन खाए, उस वक्त वो मोमेंटम था। आज रोहित शर्मा की आप बैटिंग हटाइए, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग हटाइए, और पूरी टीम इंडिया की बैटिंग आपने सामने रखी है, आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य और रोहित एक अलग बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे थे, एक अलग पिच के सामने, एक अलग पिच पे वो ऑपरेट कर रहे थे। 64 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुका है मिचेल स्टार्क का, 65 T20 इंटरनेशनल उसका था, टोटल कोई 142 T20s वो खेल चुका है, और आज पहली दफा उसको 29 रन पड़े। वहीं से करेक्टर स्टार्ट कर दिया था आज रोहित शर्मा ने कि आज हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, एंड वी आर गोइंग टू हंट डाउन ऑस्ट्रेलिया एंड वी गोना पुट देम इन अ टाइट कॉर्नर। कि जहां ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप कैंपेन अब से कोई तकरीबन 7-8 घंटे बाद अख्तिताम पजीर हो सकती है, नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन अफगानिस्तान। वो गेम वॉश आउट हो गया, और अगर एक एक पॉइंट भी बराबर हो गया तब भी अफगानिस्तान जाएगा, और अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश से जीत गया तब भी अफगानिस्तान जाएगा। व्हाट अ मोमेंट इट विल बी इन द हिस्ट्री ऑफ अफगान क्रिकेट अगर वो आज सेमीफाइनल्स में जाते हैं। बट इट इज ऑल ड्यू टू द कर्टेसी ऑफ टीम इंडिया अनबीटिंग कैंपेन। और सवेरा, इट इज नॉट अबाउट बीइंग अनबीटन, इट इज अबाउट द टीम इज शोइंग द करेक्टर। इंडिविजुअल्स करेक्टर शो करें ना करें मैटर नहीं करता, हमारा, हम देशियों का प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिविजुअल्स में घुस जाते हैं। इंडिविजुअल्स को छोड़ो, बाढ़ में निकालो इंडिविजुअल्स को, इस सब गेम है कि आपकी नेशन किधर खड़ी हुई है। एंड एज अ नेशन यू आर स्टैंडिंग आउट, एंड एज अ नेशन यू हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टूवर्ड्स अ पॉइंट कि जहां आपने सिर्फ अपने आप को नहीं मनवाया, अपने अपनी एबिलिटीज पे वो कभी कभार ना सेल्फ बिलीफ आप अपना खो देते हो, आपको जब रिजल्ट्स नहीं मिलते आप सेल्फ डाउट करते हो। तो आज सबसे बड़ी जो विक्ट्री है कि अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट करने की जो एक प्रॉब्लम आती है जहां इंडिया हमेशा नॉकआउट में रह जाता है, इससे बड़ा मोमेंटम बूस्टर नहीं मिल सकता, इससे बड़ा कमबैक नहीं हो सकता। और जिस किस्म की आज बॉलर्स ने फाइट बैक दिखाई है, हल्के हल्के मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुलदीप यादव ने कैच पकड़ा, हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ा, अक्षर पटेल ने अनबिलीवेबल कैच पकड़ा, पटेल ने छिपा दिया, यू नीड दैट मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस इन योर गेम इफ यू नीड टू डोमिनेट ऑन ऑस्ट्रेलिया। और इस जगह से जहां से इंडिया के बॉलर्स यहां से गेम पलट के लाए हैं, मैंने कल आज सुबह भी वीडियो करके कहा था कि इंडियन बॉलिंग एज रखती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप के सामने, और इवेंचुअली वही हुआ। लेकिन जहां मसला था वो बैटिंग में था, और बैटिंग में जिस तरह रोहित शर्मा कप्तान, लीडर, सवेरा लीडर की रोल की यहां बात होनी चाहिए कि लीडर खुद जब लीड करता है ना तो वो दूसरों से डिमांड कर सकता है। जब लीडर खुद टुक टुक करे और दूसरों को बोले कि तुम 200 के स्ट्राइक रेट से खेलो, फिर वो 200 के स्ट्राइक रेट वाले नीचे नहीं खेलते, लीडर को खुद एग्जांपल बनानी पड़ती है, जिस तरह रोहित शर्मा ने बनाई। रोहित शर्मा तो आज बिल्कुल अली एक अलग ही फॉर्म में थे, एक अलग ही माइंड फ्रेम में थे। जब बैटिंग के लिए आए तो वो मुंबई कर गुंडा गुंडे की तरह आज खेले, और वाकई गुंडागर्दी की उन्होंने जो सारे बोलर्स के साथ की है। और फिर उसके बाद जब फील्डिंग के वक्त भी, जिस वक्त जो है बॉलिंग के वक्त टीम इंडिया ने जब बॉलिंग शुरू की है, तो ही वॉज इन अ डिफरेंट फ्लो। एक बीच में जहाँ पे पंथ ने एक एक कैच जो है वो नहीं ले सके, पंथ कैरी नहीं कर सके उस कैच को, वहां तक पहुंच नहीं सके, सो जिस तरह के एकदम से फ्यूरियस रोहित शर्मा दिखे, दो के ऐसे ऐसा कोई मोमेंट था नहीं, मगर एक एक
चीज, एक-एक मोमेंट, एक-एक क्रंच मोमेंट पे ही वाज सो एप्ट, ही वाज सो एक्टिव, ही वाज सो फुल ऑफ इमोशंस राइट नाउ के आज तो वो बिल्कुल एक-एक ऐसे वो गुंडागर्दी वाली फॉर्म में थे बिल्कुल, वो बिल्कुल आज इस तरह के. एंड यस, जिस तरह एक कैप्टन परफॉर्म करता है, जिस तरह एक कैप्टन बिहेव करता है, उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी टीम के ऊपर आता है, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको टीम इंडिया के ऊपर आता हुआ दिख रहा है कि हर कोई चिप इन कर रहा है, हर कोई अपना 100% दे रहा है, हर कोई अपने 100% से ज्यादा स्टेप आउट करके जो है वो करने की कोशिश कर रहा है. दैट इज वॉट इज मेकिंग इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर. और जब आप जी बिल्कुल आपने सही बात की, ट्रेविस हेड की बात, मतलब एक तरफ लगता है मैक्सवेल ने जो अफगानिस्तान को टारगेट किया है, तो जिस तरह ट्रेविस हेड ने जो है वो इंडिया को टारगेट किया है. सो ट्रेविस हेड ने जब शुरुआत की और ट्रेविस हेड ने जब शुरू किया चलना फिरना, और तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है। और भी हम जो पाकिस्तानी मीडिया इस मैच को काफ़ी लाइव देख रहा था, और रोहित शर्मा के हर एक छक्के पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा था, वह वीडियो भी हम आपके लिए डिजिटल एजेंट्स इंडिया पर लेकर आएंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि किसी भी तरह भारतीय मैच हार जाए, लेकिन रोहित शर्मा ने दोस्तों कंगारुओं से जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हार हुई थी उसका भी हिसाब बराबर कर लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब ठीक पाकिस्तान की तरह इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुका है। वहीं अफगानिस्तान के दोस्तों बिल्कुल सेमीफाइनल खेलने के चांसेस काफ़ी बन चुके हैं। सुबह का मैच अगर बांग्लादेश को अफगानिस्तान हरा देगा तो अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल में चला जाएगा, और इससे जो बड़ी दोस्तों अफगानों के लिए कोई भी खुशी नहीं हो सकती है। एक तरह से अगर वह सेमीफाइनल में हार भी जाते हैं तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन यही है कि वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई है। और अब जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया अंदर ही अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि दोनों पड़ोसी है, एक तरफ अफगानिस्तान है एक तरफ भारत, और दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया के जितने भी रिएक्शन वाले वीडियो हो गए हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।